माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की जो मेरी वीडियो है ना, वो बहुत ही मज़े की होने वाली है और बहुत ही यूज़फुल होने वाली है तमाम हाउसवाइफ के लिए, टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि आज जो है ना, मैं एक मज़े की हैंगिंग बनाने वाली हूँ जो कि घर में ही जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं उसी की बनाएंगे, कोई बाहर से कुछ नहीं खरीद रहे। तो उसके लिए चीज़ें चाहिए वो स्क्रीन पर आप लोगों के पास आ रही हैं, तो मैं भी बता देती हूँ उसके लिए क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ये जो हमारे ड्रेस के जो बैग्स आते हैं आजकल, तो हम लोग ड्रेसेस जो भी ले रहे हैं ड्रेसेस, वो तकरीबन इन्हीं बैग्स में आ रहे हैं। कुछ जिप वाले होते हैं, कुछ बटन वाले होते हैं, आपकी मर्ज़ी कोई से भी ले सकते हो। वैसे अगर जिप वाले हों अवेलेबल तो वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे, लेकिन अभी वो मेरे पास थे नहीं, तो मैंने ये बटन वाले से मैंने कहा चलें काम चला लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हुए हैं 4 बैग्स, लेकिन मैं सिर्फ 3 बैग्स की हैंगिंग बनाऊंगी, क्योंकि ये मेरे लिए इनफ है। आप लोग, आपके पास ज़्यादा हो, बड़ी हैंगिंग बनाना चाहो तो उसका इस ऐड करते रहना, ठीक है। एक सीजर, स्टेपलर, पंचोल मशीन, रिबन, और अगर रिबन आपके पास नहीं है घर में अवेलेबल, इस तरीके से स्ट्रिप्स आती हैं कार्टन्स वगैरह में लगती हैं, तो वो आप ले लें, या कोई भी आप लोग घर में स्ट्रिप्स, पतली सी स्ट्रिप्स बना लो खूबसूरत सी, और उसको आप इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और ये वाले जो बैग्स होते हैं, वैसे तो ये हम ड्रेसेस लेते हैं और फिर फेंक देते हैं जब हमारे स्ट्रिच हो जाते हैं, पहनते रहते हैं, तो मैंने कहा कि इतने सारे पड़े रहते हैं क्यों ना इसकी कुछ हैंगिंग बना ली जाए। तो मैं बना रही थी तो मैंने कहा क्यों ना मैं शेयर भी कर दूँ। और इन बैग्स में ये फ़ायदा है कि इनमें ना फिर मिट्टी भी नहीं जाती और सेफ रहती हैं चीज़ें ना, बहुत सारी चीज़ें हम इसके अंदर रख सकते हैं, वरना तो हम ऐसे फेंक देते हैं। तो अब मैं इसको आपको बता देती हूँ, इस तरीके से हम सेटल करेंगे बैग्स को एक के ऊपर एक, ठीक है। मैं सिर्फ 3 बैग्स लूँगी, ठीक है। और मैं सिंपली इनको क्या करूँगी, आप लोग ये देख लीजिएगा कि जो बटन्स वाला जो साइड होगा ना, वो हमें फ्रंट में ही रखना है, ठीक है ना, कि ये आराम से ओपन हो जाए। तो हम इस तरीके से इसको हैंग मतलब स्टेपल करेंगे इस तरीके से, कि ये बटन्स जो है ना, या जो खुलने का जो प्रोसेस है वो मुश्किल ना हो या कुछ परेशानी ना हो, आराम से ये जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये आराम से खुल जाए। इस तरीके से हम इसको एक के ऊपर एक करके स्टेपल करना है, ठीक है। ये देख लीजिए, इस तरीके से रखूँगी मैं ये वाला, इस तरीके से सिंपल इस तरीके से करूँगी, और इसको यहाँ से साइडों से स्टेपलर कर दूँगी। मैं आपको स्टेपलर अभी करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये देख लीजिए, मैंने यहाँ साइडों में इसको स्टेपल कर दिया है, ठीक है। अगर आप लोग बच्चे हैं घर में होते हैं, जाहिर सी बातें मेरे घर में भी छोटी बेटी है, तो मैं अगर इसको हैंग करूँगी, वैसे तो ऊपर ऊंची जगह पे हैंग करूँगी क्योंकि अच्छा है वो बच्चे मतलब हाथ ना जा सके। और अगर आप लोग नीचे हैंग कर रहे हो तो ये जो होता है ये बहुत ख़तरनाक होता है, हमारे लिए भी ख़तरनाक होता है, हम लोग तो फिर भी मतलब केयर कर सकते हैं लेकिन बच्चे नहीं करते, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग टेप लगा लो, ट्रांसपेरेंट टेप आता है ना, वो लगा लेना, तो ये सेव हो जाएगा। बच्चे अगर टच भी करेंगे तो वो खुदा ना खास्ता उनके चुभेगा नहीं, ठीक है। ये देख लीजिए, ये दोनों इस तरीके से जॉइंट हो गए, ये एक पॉकेट हो गया, ये दूसरा उसका पोर्शन हो गया। अब मैं इसी तरीके से थर्ड वाला बैग भी इसके साथ अटैच करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये देख लीजिए, थर्ड बैग भी जो है ना मैंने अटैच कर लिया। आप लोग ये कह रहे होंगे मैं स्टेपलर क्यों यूज़ कर रही हूँ, ग्लू क्यों यूज़ नहीं करी? तो जो चीज़ें घर में आसानी से अवेलेबल होती हैं मैंने जस्ट सिंपल उससे ही हैंगिंग जो है ना वो अपनी बना दी, ठीक है ना। ग्लू बहुत सारे घर में अवेलेबल नहीं होती, मतलब इस टाइप की हमें ग्लू चाहिए होगी, गन ग्लू, जो आराम से इसके अंदर पेस्ट हो जाए। नॉर्मली हम UHU या वो ले लेंगे तो वो निकल जाएगा, तो मैंने सिंपली इसलिए स्टेपलर यूज़ करा है। और ये अमरीन फातिमा एज यूजुअल आ चुकी हैं और ये मुझे तंग करी है। अमरीन फातिमा प्लीज़ डोंट डू दिस, आप जाके नीचे बैठिए और कार्टून देख लीजिए। गो गो आई सेड, हम कोई कपड़े नहीं रख रहे हैं इसमें, आप जाइए, मामा आपके लिए एक चीज़ बना रही है, ठीक है ना। जब बन जाएगी तो मामा आपको खुद बुलाएंगी, ओके जी। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे हमारी सिंपली ऐसे हैंगिंग रेडी हो गई है। अब आप लोग ये देख रहे होंगे कि मतलब आप अपने रूम्स वगैरह में हैंग करेंगे इसको तो ये आपको बुरा लगेगा अगर इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस और मतलब वो लिखा हुआ है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पे कंप्यूटर पेपर या कलर्स पेपर जो आते हैं वो इसके अंदर डाल देना,
और वो जब जाहिर सी बात है वॉल पे आप उसको अटैच करोगे तो वो उससे छुप जाएगा। और अगर नहीं भी करना चाहो तो कोई मसला नहीं है, या आप ऐसी जगह हैंग कर दो जहाँ पे आपको लगे कि भाई कोई ऐसी कबर्ड के अंदर कर दो, कोई ना देख सके, या अपने डोर के पीछे हैंग कर सकते हो। तो इससे आपको अगर बुरी लग रही है तो वो बुरी भी नहीं लगेगी और आपकी चीज़ें जो होंगी वो सिमट जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ऐसी बिखरी रहती हैं, तो वो इसके अंदर हम आराम से रख सकते हैं। ठीक है, अब सिंपली ये यहाँ पे तीनों बैग जो हैं वो अटैच हो गए। और अब मैं यहाँ पे सबसे ऊपर वाले पोर्शन में यहाँ पे पंच होल मशीन से दो पंच लगा के होल कर रही हूँ। ठीक है, पंच मशीन से मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देख लीजिए, ये होल हो गया है, आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे भी होल कर दिया है मैंने, यहाँ पे भी होल कर दिया है। और अब मैं ये सिंपली ये जो मेरे पास रिबन है ये मैं इसके अंदर डाल के और इसको हैंग बनाऊंगी, इसके हैंग। ठीक है, आप लोग चाहो तो नीचे भी इसी तरीके से होल मशीन से होल कर देना, और यहाँ पे भी आप जो है ना कोई भी रिबन या कोई भी स्ट्रिप लगा देना ताकि वो बिल्कुल फिक्स हो जाए, उड़े वगैरह नहीं। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे ऊपर ही अभी इसको होल कर रही हूँ, सॉरी रिबन यहाँ पे लगा रही हूँ। ठीक है ना, तो ये देख लीजिए इस तरीके से ये मैंने, ये देख लीजिए ये हैंग कर दी। और अब हम इसको कहीं पे भी आराम से हैंग कर सकते हैं। ठीक है ना, और एक मज़े की बात बता दूं कि मैंने जो है ना पहले जो होल किए थे ना वो इसको खोल के ही ऊपर कर दिए थे, अब जब बंद करूँगी तो वो यहाँ चला जाएगा। तो प्लीज़ आप पहला वाला जो बैग है वो बंद कर दीजिएगा, उसके बाद आप होल करना। और मैं अब इसको हैंग करके भी दिखाती हूँ और इसके अंदर कुछ चीज़ें पुट करके भी दिखाती हूँ कि ये कितना यूज़फुल है। ठीक है ना, ये देख लीजिए मैंने यहाँ इसको अभी फ़िलहाल ऐसे ही हैंग किया, अभी मैं इसकी कोई जगह बनाऊँगी। तो ये देख लीजिए यहाँ पे मैंने अपने कुछ लिपस्टिक्स डाल दिए हैं, ग्लासेस डाल दिए हैं, सॉरी अमरीन की बॉल्स वगैरह होती हैं बच्चों की, और उसके लिए क्रियॉन्स वगैरह, उसकी ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो बिखरी रहती हैं। तो मतलब हम कुछ भी इसके अंदर आराम से रख सकते हैं और इसके अंदर मिट्टी भी नहीं लगेगी। ठीक है ना, इन बैग में हम ज्वेलरी वगैरह भी रख सकते हैं और मतलब सेव कर सकते हैं चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हम इसके अंदर जो हमारी ऐसी बिखरी रहती हैं वो हम सब चीज़ें आराम से इसमें सेव कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और अपने फ्रेंड्स से भी कहें प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और मैं अगले मतलब नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा सब लोग भी, मेरे लिए भी बहुत दुआ करिएगा, मेरी बेटी के लिए भी, मेरे घर वालों के लिए भी, मेरे हस्बैंड के लिए भी। तो मिलती हूँ इंशाल्लाह जल्द एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।